गुड मॉर्निंग। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। एक बच्चा जब जन्म लेता है और जब समझ आती है राइट, तब उसके माइंड में सपने पैदा होते हैं राइट, बराबर है? वेरी गुड। एंड जब एक एज उम्र होती है ना, उसके बाद वो सपने भूल भी जाते हैं। कौन सी उम्र होती है वो? वेरी गुड, पीछे से आवाज आ गई है। जब हम जॉब पे लग जाते हैं या हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, तब हमारे सपने धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं राइट। ये इंडस्ट्री है जहाँ पे सपने वापस जागे हमारे, और आप जितने भी अचीवर यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे अचीवर ये सपने को टिकाए रखे है, तभी यहाँ पे है। आप भी आपके सपने टिकाए रखिए। गुड मॉर्निंग अगेन। मेरा नाम रसिका कुलकर्णी है, मैं सतारा से हूँ। बेसिकली एक छोटे से गांव से जर्नी शुरू हुई थी मेरी, एंड 1200 रुपए के रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही थी मैं राइट। एंड आज वेस्टीज में आके 6-7 साल हो गए हैं। एक बड़ी सी जर्नी क्रिएट की है, बहुत सारा ड्राइविंग किया है। बीइंग अ फीमेल, एक मदर एंड डॉटर के पेयर हम बने हैं ग्लोबली। आज तक मैंने डायरेक्ट सेलिंग में मदर एंड डॉटर की कोई पेयर अभी देखी नहीं है राइट, इस टॉप लेवल पे। एक मदर एंड डॉटर की बहुत बड़ी जर्नी, हमने बहुत बड़ा स्ट्रगल भी किया है राइट। आपको लगता होगा यहाँ पे आके बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। जब लोग निगेटिव बोलेंगे, ना बोलेंगे, तब टिके रहना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है राइट। और ये टिके जब हम रहे, तब बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स हुए, 4 कार खरीद चुके हैं, बहुत सारी मतलब जितने सपने अपार्ट फ्रॉम वेस्टीज भी है वो भी अभी पूरे हो रहे हैं। अभी अभी मैंने एक हॉस्टल का ड्रीम किया है, मैं एक गर्ल्स हॉस्टल बना रही हूँ अभी, और उसका मेरा प्लानिंग ऑलरेडी हो चुका है, एग्रीमेंट अभी सामने है बिल्कुल। एंड इसके साथ साथ एक अपार्ट फ्रॉम वेस्टीज बोल रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम वेस्टीज एक वुमेन जिनको मैका नहीं होता, इनके लिए मैं माधव माहिर नाम की संस्था बना रही हूँ, एक एनजीओ बना रही हूँ, इसके भी काम कर रही हूँ। लेकिन इसका पेश जो है फ्रेंड्स, इसका पेश जो है पैसा लगता है वो वेस्टीज से आता है। सबसे बड़ी बात है पैसा जो लगेगा वो वेस्टीज से आएगा। एंड टारगेट, थैंक्स बोलूंगी मेरे ग्रेट अप्लाई विकी सर एंड ज्योति मैम को, थैंक्स टू मैनेजमेंट जिन्होंने ये बड़ा सा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम एक बड़े सपने देख पाए और बड़े सपने पूरे कर पाए राइट। MBA किया है, मार्केटिंग एंड फाइनेंस डिवेल स्पेशलाइजेशन है। 16 साल तक जॉब कर रही थी, और जॉब के बाद की जो जर्नी है वो अभी आपके सामने है। और जहाँ भी जाते हैं ऐसा मेरे टारगेट में यही होता है, जहाँ भी जाएंगे फोटो सामने बोर्ड पे रहेगी, और अभी फोटो सामने बोर्ड पे है राइट। टारगेट बना लीजिए माइंड में कि जहाँ भी जाएंगे टॉप पे रहेंगे, तभी बड़ी अचीवमेंट कर पाएंगे राइट। थैंक यू सो मच। ओवर टू शार्दुला। थैंक यू सो मच रसिका मैम। और हाय एवरीबॉडी, आई वांट यू ऑल टू से हाय। हाय, कुछ लोग हैं अभी भी हाय नहीं कर रहे, क्यों? ये हाय किस लिए पता है? ये हाय आपकी जिंदगी के लिए है कि आप अपने जिंदगी को हाय बोलिए, अपने सक्सेस को हाय बोल के वेलकम कीजिए, और सारे निगेटिव थॉट्स जो आते हैं हमारे माइंड में, जितने भी सारे निगेटिव थॉट्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, सारी चीजें कोविड के बाद अभी हमारी आदत हो गई है कि हम कंफर्ट जोन में चले गए हैं। ज्यादातर लोग जो पहले एनर्जीज हमारे अंदर हुआ करती थी, जो ऊर्जा है, ये पूरी दुनिया ऊर्जा से बनी है, हम एनर्जी से बने हैं। तो हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे लाइफ में हमारे सारे सपने पूरे हो। आप लोग चाहते हो? यस। तो से हाय, हाय टू अ वंडरफुल लाइफ। यस, बहुत अच्छे लग रहे हो आप सभी लोग यहाँ से। एंड आई वांट यू ऑल टू सी यू नो सक्सेसफुल, आपके जिंदगी में आप सभी लोग सक्सेसफुल बने। और जैसे हम मदर एंड डॉटर की पेयर है, और बीइंग अ मदर एंड डॉटर पेयर, बहुत सारे चैलेंजेस हमने फेस किए, क्योंकि बीइंग अ फीमेल ट्रैवल करके लोगों के पास जाना और ये सारी चीजें करके आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और हम चाहते हैं आपके पास भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, है? Yes. सभी के पास चैलेंजेस है, बट वो चैलेंजेस को फेस करके, ओवरकम करके कहाँ आना है? आगे आना है और अपने चैलेंज को कंप्लीट करके सक्सेसफुल होना है। यस फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे वेस्टीज का जो ब्रह्मास्त्र है ना फ्रेंड्स, वो है हमारी लीडरशिप। तो आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी मैं। यस, और मैं चाहूंगी एक एक्टिविटी कि आपके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कोई ना कोई तो बैठा है। यस, यस और नो? यस, बैठा है ना? तो बस आपको एक काम करना है, उसको एक हाई फाई करना है। हाई फाई करना आता है? और कहना है कि अगले 6 महीने में वो सक्सेस ला के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी जो मैंने पिछले 30 सालों में, 50 सालों में, 60 सालों में नहीं लाई। क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझसे कहीं ज्यादा
एक्सपीरियंस्ड होंगे। और कहना है जो पिछले इतने सालों में मैं करके नहीं दिखा पाई वो अब मैं विद इन 6 मंथ्स करके दिखाऊंगा। और अगले अवार्ड फंक्शन में फ्रेंड्स मैं आपको, यहाँ पे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग आए हैं, बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, आपको लग रहा होगा पता नहीं है बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, बट मेरा नंबर कब आएगा, है ना। बहुत सारे अचीवर्स इस महीने में बने हुए हैं एंड मैं चाहूंगी कि आप सभी लोगों को यहाँ पे बोलने का मौका मिले। और आलोक जी को ना यहाँ पे स्ट्रेस हो कि अब मैं कहाँ पे इवेंट करूँ, कैसे मैं सारी चीजों को मैनेज करूँ। थैंक यू सो मच वेस्टीज टू यू नो अरेंजिंग दिस अवार्ड फंक्शन इस तरीके से। यहाँ पे सारी लग्जरी कार्स खड़ी है, आप जैसे इतने बड़े बड़े हस्तियां, एवरीबडी इज यूनिक, आप सभी लोग यूनिक हो। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू डू दिस एक्टिविटी कि आपको एक बार राइट साइड में और आपके लेफ्ट साइड में आपको हाई फाई करना है। रेडी 1 2 3 और ये कहना है अब मैं सक्सेसफुल होके दिखाऊंगी अगले 6 महीने में वो करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा जो पिछले इतने सालों में मैं नहीं कर पाया। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू एंड विश यू वेल।